हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास सेकंड ईयर का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये थर्ड चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। थर्ड चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में हम चारपिट मेथड एंड जैकोबी मेथड से इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपैटिबल सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। कंसीडर partial differential equation of order 1 f of x y z p q equal to 0। इस टाइप से आपको इक्वेशन मिलेगी x y z p एंड q में। ठीक है, p क्या था? कर्ल z बाय कर्ल x, एंड q इज कर्ल z बाय कर्ल y। नेक्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, दिस सिस्टम इज सेट टू बी कंपैटिबल इफ सॉल्यूशन ऑफ वन इज द सोल्यूशन ऑफ अदर। यानी एक इक्वेशन का सोल्यूशन दूसरी का सोल्यूशन वही आएगा, देन हम इन इक्वेशन को कंपैटिबल कहेंगे। ठीक है, अब कंपैटिबल की कंडीशन क्या है? कंडीशन कैसे चेक करोगे कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंपैटिबल है कि नहीं है? कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, एफ जी, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ब्रैकेट में, दैट मीन्स कर्ल एफ जी कर्ल एक्स पी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटू पी इंटू कर्ल एफ जी अपॉन कर्ल जेड पी प्लस कर्ल एफ जी कर्ल y q प्लस q इंटू कर्ल एफ जी एंड कर्ल जेड क्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और हमारे आंसर 0 आ जाता है, देन वी से दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंपैटिबल। नाउ व्हाट द मीनिंग ऑफ कर्ल एफ जी अपॉन कर्ल एक्स पी? इसको हम बोलते हैं जैकोबियन। इफ कर्ल यू वी कर्ल एक्स वाई, अगर आपके पास ये दे रखा है, दिस इज द जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, सेम टू सेम कर्ल यू बाय कर्ल वाई, यहाँ पे हमारे पास एक रो आ जाएगी। देन नेक्स्ट इज अ वी, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स एंड कर्ल वी बाय कर्ल वाई, ये होता है जैकोबियन। आप क्वेश्चन फर्स्ट इज शो दैट द इक्वेशंस, दो इक्वेशन दे रखे हैं आपके पास, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर कंपैटिबल एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। लेट एक को हम एफ फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई z, p एंड q, इन टर्म्स की इक्वेशन हो सकती है। दिस इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं f फंक्शन एक्स पी माइनस वाई क्यू, एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, इक्वल टू 0, एंड g ऑफ x, y, z, p, q सेकेंड इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं g फंक्शन प्लस q माइनस एक्स z इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस आर कंपैटिबल इफ एफ जी इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला लिखा था अभी हमने? कर्ल एफ जी जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड
पी प्लस पी इंटू जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू जेड पी प्लस जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यू प्लस, क्योंकि y जो होता है ये q के साथ लेते हैं और q मल्टीप्लाई कर देते हो तो जैकोबियन ऑफ एफ जी आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z एंड q इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए. ओके, देन अगर ये कंडीशन होल्ड करेगा देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंपेटिबल. नाउ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. कर्ल एफ जी बाय कर्ल एक्स पी, डिटर्मिनेंट ऑफ कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, कर्ल एफ बाय कर्ल पी. ओके, फिर हम जी के विद रिस्पेक्ट करेंगे एंड कर्ल जी बाय कर्ल पी. फाइंड आउट कीजिए कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स. एफ इज दिस, ये वैल्यू है एफ फंक्शन. पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यहाँ से एक्स का डेरिवेटिव 1, पी 0 एंड माइनस 1. कर्ल एफ बाय कर्ल पी विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो पी की टर्म सिर्फ हमारे पास इस स्टेप में है. पी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर इज एक्स. कर्ल जी बाय कर्ल एक्स, जी इज दिस, कर्ल जी बाय कर्ल एक्स करेंगे तो 2x क्यू माइनस जेड, एक्स का डेरिवेटिव 1. पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, कर्ल जी बाय कर्ल पी, पी का ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर. डिटर्मिनेंट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस 1 इन माइनस ऑफ एक्स इंटू 2x क्यू माइनस जेड, एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर क्यू प्लस एक्स जेड. ये वैल्यू आ गई हमारे पास फर्स्ट. सेकेंड जैकोबियन फाइंड आउट करते हैं. कर्ल एफ जी कर्ल वाई क्यू, कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, देन कर्ल एफ का विद रिस्पेक्ट टू क्यू. अच्छा, ये वाला चल रहा था, चलो कोई नहीं, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इसको बाद में कर लेते हैं. यहाँ से कर्ल जी बाय कर्ल वाई एंड कर्ल जी बाय कर्ल क्यू सॉल्व करते हैं. एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो वाई सिर्फ एक फैक्टर में है यहाँ पे माइनस क्यू. कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, क्यू यहाँ पे है, ये आ जाएगा माइनस वाई. जी बाय वाई, जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो कोई वाई की टर्म नहीं है इसके अंदर. ओके, वाई नहीं है तो जीरो आ जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू क्यू करोगे जी का डेरिवेटिव तो क्यू इज दिस, क्यू का 1, बाकी सब जीरो. नाउ इसको सॉल्व कीजिए, माइनस क्यू माइनस जीरो, तो ये आंसर आ गया माइनस क्यू. सेम टू सेम स्टेप हम इसके लिए सॉल्व करते हैं. कर्ल एफ जी बाय कर्ल जेड पी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी. एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे हम पहले, यहाँ पे जेड की कोई भी टर्म नहीं है, जीरो. फिर एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे, देन पी इज दिस, दोनों जीरो हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा एक्स. नेक्स्ट करते हैं जी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड विद रिस्पेक्ट टू पी. विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो जेड इज दिस माइनस एक्स, एंड विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से जीरो प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर इज एक्स स्क्वायर. लास्ट जैकोबियन रहता है कर्ल एफ जी कर्ल जेड क्यू. एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कीजिए, जेड का कोई भी नहीं है यहाँ पे, जीरो. एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे, क्यू इज दिस माइनस वाई. पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है जी का विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे माइनस एक्स, एंड विद रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे 1. ओके, जेड का विद रिस्पेक्ट टू क्यू कर रहे हैं तो एक ही टर्म में 1 आ जाएगा. नाउ 0 माइनस माइनस प्लस एंड एक माइनस और अप्लाई करेंगे माइनस
एक्स वाई, ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं कर्ल एफ जी डिवाइड बाय कर्ल एक्स पी, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, कर्ल एफ बाय कर्ल पी, कर्ल जी बाय कर्ल एक्स एंड कर्ल जी बाय कर्ल पी। दिस इक्वल टू कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, देन पी माइनस वन, एफ का विद रिस्पेक्ट टू पी करते हो तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे देन टू एक्स पी माइनस जेड, एंड विद रिस्पेक्ट टू पी करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स पी माइनस जेड, देन लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, यहाँ वैल्यू पुट करिए एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर पी प्लस एक्स जेड प्लस पी इंटू जेड पी इज दिस पी इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर निकाल रखी हमने, इसकी वैल्यू माइनस क्यू है मैंने रफ कर दिया उसको, ये आ जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू माइनस एक्स वाई, इसको हम लिख देंगे माइनस क्यू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर पी माइनस कैंसिल, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस क्यू माइनस एक्स वाई क्यू। एक्स जेड माइनस क्यू की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन से यूज़ कर सकते हैं, एक्स जेड माइनस क्यू, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालिए, एक्स जेड को उधर ले जाइए, क्यू को उधर ले जाइए, माइनस एक्स जेड माइनस क्यू हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर पी। तो ये दोनों के प्लेस से पुट कर रहे हैं हम, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन का यूज़ किया हमने। नाउ फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ से एक्स पी इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, एक्स पी वाई क्यू दोनों फैक्टर में से एक्स कॉमन निकाल लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लिया हमने यहाँ से, एक्स पी माइनस वाई क्यू, एंड एक्स पी माइनस वाई क्यू की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स पी माइनस वाई क्यू इज एक्स को उधर ले जाइए एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देन दिस बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने इसको सॉल्व किया और आंसर हमारा जीरो आ गया, दैट मीन्स एफ एंड जी एंड बोथ दीज इक्वेशंस आर कंपेटिबल। अब दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, अब हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालना है, हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पी एंड क्यू की वैल्यू चाहिए। ओके, तो दो इक्वेशंस पी और क्यू में है, सॉल्व कीजिए। अगर मैं इस इक्वेशन को टू से वाई से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ एंड ऐड कर देती हूँ, मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय वाई एंड एडिंग, देन एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स, और हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया वाई से, एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड, ऐड कर रहे हैं कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स पी कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई इंटू पी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई जेड। पी की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर लेते हैं, इधर से आ जाएगा वन प्लस वाई जेड डिवाइड बाई एक्स इंटू, यहाँ से फैक्टर आ जाएगा वन प्लस एक्स वाई कैंसिल, तो पी की वैल्यू आ गई वन प्लस वाई जेड डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई। नाउ अब हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो किसी एक में पुट कर लेते हैं पी की वैल्यू, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम क्यू की निकालते हैं पहले, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स, वाई क्यू इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स पी माइनस एक्स, देन क्यू की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से पी माइनस वन डिवाइड बाई
y, y से डिवाइड हो जाएगा. ओके, p की वैल्यू हम हमारे पास गिवन है, तो हम p की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेते हैं. देन यहाँ p की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लेना इसको, q की वैल्यू आ जाएगी x इंटू जेड माइनस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स वाई. यहाँ पे की वैल्यू पुट कर लेना दिस एंड इसको सॉल्व कर ले. पी और क्यू की वैल्यू हमें मिल गई है. दिस इज़ वैल्यू ऑफ पी, दिस इज़ वैल्यू ऑफ क्यू. सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? डी जेड इक्वल टू एक्स इंटू डी पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई. ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है. डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करेंगे हम, क्योंकि ये वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. देन डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू रखिए यहाँ पे वन प्लस वाई जेड डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई इंटू चल रहा है डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू एक्स इंटू जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई. ओके, यहाँ पे अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, यानी हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे. इसका इंटीग्रेशन हमें विद रिस्पेक्ट टू डी जेड के साथ, यहाँ से वन प्लस वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई. मल्टीप्लाई ओपन कर लीजिए, डी एक्स प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई. दोनों फैक्टर को इकट्ठा ले लेते हैं. डी एक्स जेड कॉमन ले लीजिए, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई. ठीक है, नाउ दिस फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, वन प्लस एक्स वाई डी जेड. इधर हमारा ये चल रहा था, इसको आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई. ठीक है, इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई. इसको रफ कर लेते हैं. यहाँ से अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर लेती हूँ, वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर सेम टू सेम वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर से. ठीक है, तो ये u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये डेरिवेटिव बन जाएगा आपके पास. डेरिवेटिव ऑफ, लेकिन क्योंकि हमारे पास u बाई वी, वी का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स वन प्लस एक्स वाई. डेनोमिनेटर का स्क्वायर लेते हैं हम. जैसे अब ये फैक्टर क्या आना चाहिए, दिस इज एज इट इज़ किसका डेरिवेटिव हो रहा है, z का डेरिवेटिव माइनस z एज इट इज़. और डेरिवेटिव ऑफ इसको आप लिख सकते हो वन प्लस एक्स वाई. क्यों? क्योंकि जैसे आप डेरिवेटिव करोगे वन प्लस एक्स वाई का, तो वन इज़ अ ज़ीरो, एक्स वाई का डेरिवेटिव ये ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो ये आ जाएगा यहाँ से दिस कंप्लीट फैक्टर इज डेरिवेटिव जेड बाई वन प्लस एक्स वाई. एंड इसको आप लिख सकते हो, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाय कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा. और इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वन प्लस वाई प्लस वन बाई एक्स. इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये स्टेप आ जाएगा. ठीक है, देन ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, दिस इज राइट हैंड साइड. अब हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड. तो यहाँ से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, जेड अपॉन वन प्लस एक्स वाई दिस इज इक्वल टू, इधर भी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन, यानी इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन वाई प्लस वन बाई एक्स, क्योंकि इसको हम टी पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव ऊपर है ही हमारे पास ऑलरेडी. ठीक है, एंड प्लस सी, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, इधर लिख रही हूँ जेड अपॉन वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स एलसीएम लेंगे एंड देन ऊपर जाएगा तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई प्लस सी. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.